महान वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची के बारे में तीन ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हो। नंबर वन, लियोनार्डो दा विंची एम्बिडेक्स्ट्रस थे, वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो एक ही टाइम में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग बना सकते थे। इतना ही नहीं, लियोनार्डो दा विंची बड़े आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे हम मिरर राइटिंग कहते हैं। और कहा जाता है कि इस तरह से दा विंची उन्हीं बातों को लिखते थे जिन्हें वो सीक्रेट रखना चाहते थे। नंबर टू, कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर कब्र को खोलकर शव को निकाल लाते थे और फिर उनको स्टडी करते थे। ये कहा जाता है कि उन्होंने करीब 30 शवों को निकाल लिया था और ये जो आप फोटोज देख रहे हैं वो दा विंची द्वारा ही बनाई गई थी। नंबर थ्री, दा विंची की दो पेंटिंग्स काफी फेमस है। मोनालिसा के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन सेकेंड जो पेंटिंग फेमस है वो है द लास्ट सफर। इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली दिए जाने से पहले आखिरी बार भोजन करते हुए दिखाया था।